Hello everyone, let's start with question number 2. It says give the equation of two lines passing through 2,14. How many more such lines are there and why? So, हमें दो lines देनी है जो pass करेंगे 2,14 से. इसका मतलब कि ऐसी दो equations लिखो जिसका आपका solution 2,14 हो. So, infinite number of line हो सकती है. उन्होंने बोला कि कितनी lines होंगी ऐसी जो pass कर सकती है. There can be infinite number of lines जो कि pass कर सकती हैं 2,14 वाले से, ठीक है, points से. So अब हमें इसी से एक कोई equation form करनी है, दो equations form करनी है. So अब ये देखो, suppose we have 7x and we have minus y equal 0. अब आप सोच रहे होंगे मैंने 7x minus y क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने calculation mind में कर ली कि अगर मैं x की जगह 2 पुट करूंगी तो 7 into 2 14 हो जाएगा. अब 14 में से 14 गए तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही. तभी मैंने अपनी इक्वेशन को ऐसे लिखा कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए. अब ऐसे ही और भी बना सकते हो. मान लेते हैं यहां पे हम ले लेते हैं 14x minus y is equal to 0. 14x मतलब कितना हो गया, 14 into 2 28 और यहाँ पे हम 2y लिख देते, तो 14x minus 2y is equal to 0. values put करके देख लो left hand side right hand side equal आ रही है या नहीं आ रही. so 14x की जगह मैंने 2 put किया, y की जगह मैंने 14 put किया. 14 into 2 कितना हो गया, 28. 2 into 14 कितना हो गया, 28, जो कि 0 होता है, जो कि आपका right hand side से भी equal है. तो इस वजह से we will say that we can have infinite number of lines passing through 2,14. जितनी मर्जी lines बना लो, जितनी मर्जी equations बना लो, उस इस point से 2,14 से तो pass होगी, ठीक है? So this is the answer. You can make any line or any equation out of this and write it. मैंने अपने दो examples आपको दे दिए जो मैंने बनाए. You can try to make more examples for same. So, this is the answer for question number 2.